खान ने वर्दी भी ला दीती है, शराफत का सबक ही पढ़ना छड़ दिता है। जब तक मैं अपनी मां के कातलों नूं रब ते सजा नहीं दे लैंदा। अस्सलाम वालेकुम, मैं तारक सानी ते तुसी वेख लो मेरे यूट्यूब चैनल रैबर एंटरटेनमेंट प्लस। और सुल्तान राई दी इतवा फिर एक फिल्म लैके तुहाडी खिदमत विच हाजिर हो रहे हैं। तो उस फिल्म का नाम है सन्नाटा। 13 अक्टूबर 1995 बरोज जुमा रिलीज़ होने वाली एक रंगीन पंजाबी फिल्म सन्नाटा। इस फिल्म के अदाकार हैं सुल्तान राई, समझने की कोशिश कर, मैं तुम साइमा तेरे बेटे होने चक्की पीटनी है, नरगस जेडी सहेली ने मिलन, रैम्बो हुरमत दामीना जमाली साहब, नगमा मैंने रोशन नजर ही आ रही थी, हमायूं कुरैशी धंधा भी चलता रहेगा, शफकत चीमा बंदे अंदर शिकारी, मैनिया चौधरी हशमत, हदयात शुजा अकील, फिल्म साज आबद शुजा, इनू लिखा है नासिर अंदीब ने, इहदा म्यूजिक दिता है एस ए खान ने। इस फिल्म के अंदर सुल्तान राई ने हैदर का किरदार अदा किया है। हैदर एक पुलिस इंस्पैक्टर होंदा है और बड़ा ही ईमानदार और बड़ा ही काबिल शख्स होंदा है और अपने काम नूं इबादत समझ के करदा है। और कोई भी मुजरम वड्डे तो वड्डा मुजरम हो, वो हैदर के ना तो डरदा है, वह किसी की सिफारिश नहीं मनता। हुमायूं कुरैशी ने इस फिल्म के अंदर चौधरी अशमत का किरदार अदा किया है, जिहड़ा दुनिया वास्ते एक नेक और शरीफ इंसान होंदा है। और दर पर्दा जितने शहर के अंदर जराइम के काम होंदे ने, बैठक जुए दियां आस्ता, उस तों शराब का कारोबार होंदा, यानी कि जुर्म के जितने भी कारोबार होंदे ने वो चौधरी अशमत दे होंदे ने, लेकिन दुनिया वास्ते एक नेक इंसान होंदा है, लोगों की मदद करदा है। नगमा ने सीन के अंदर सुल्तान राई हैदर की माँ का किरदार अदा किया है, जिहड़ी कि एक नेक औरत होंदी है। और जदों भी हैदर खान का ईमान डोलना शुरू हो जाता है और वह सोचता है कि उन्हें यह नौकरी मैं छोड़ देनी चाहिए, तो माँ वो रस्ते की दीवार बन जाती है, उन्होंने समझाती है, उन्होंने कहती है कि जड़ा काम है ये इबादत समझ के तू करना है और मुल्क को कौम की खिदमत करनी है। मैं पता लग जाता कि तू कुत्ते रैम्बो ने फिल्म के अंदर एक सहाफी का किरदार अदा किया है, जिस तरह हैदर खान ईमानदार और नेक इंसान होंदा है। इस तरह जिहड़ा रैम्बो होंदा उसका नाम नासर होंदा है, और नासर जिहड़ा होंदा है एक ईमानदार और सच्चा और खड़ा सहाफी होंदा है और काम नूं इबादत समझ के करदा है और किसी की सिफारिश नहीं मनता। चौधरी अशमत के खिलाफ सबूत लैके आंदा है, जान जोखिम पा के लड़ के झगड़ के सबूत लैके जदों इकट्ठे करके अपने एडिटर दे कोल आंदा है, ਤੇ ਐਡੀਟਰ ਉਹਨੂੰ ਛਾਪਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚੌਧਰੀ ਅਸ਼ਮਤ ਤੇ ਉਹ ਬਾਅਸਰ ਸ਼ਖਸ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਛਾਪਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਫਕਤ ਚੀਮਾ ਨੇ ਜੇਕੇ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜਰਾਇਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚੌਧਰੀ ਅਸ਼ਮਤ ਔਰ ਜੇਕੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੁੰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਹੈਦਰ ਖਾਨ ਦੀ ਕੰਮ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹੈਦਰ ਖਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਪਕੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਸੀ ਦੋਸਤ ਬਣ ਜਾਂਦੇ। ਅੱਛਾ, ਚੌਧਰੀ ਅਸ਼ਮਤ ਦੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਪਕੜ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਜੂਏ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚੋਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਲਾਨ ਕਰਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਚੌਧਰੀ ਅਸ਼ਮਤ ਆ ਕੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹੈਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚਲਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਅਤੇ ਅਸ਼ਮਤ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੂੰ ਅਗਰ ਪਿਓ ਦਾ ਪੁੱਤ ਨੇ ਤਾਂ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਤੂੰ ਸਬਰ ਕਰ, 6 ਵਜੇ ਤੂੰ ਪਹਿਲੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਾ ਲਏਗਾ। ਔਰ 6:45 ਇੱਕ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਅਫਸਰ ਦਾ ਔਰ ਹੈਦਰ ਖਾਨ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋੜਨਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਹਰਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਹੈਦਰ ਖਾਨ ਨੌਕਰੀ ਛੋੜਨੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਮਾਂ ਰਸਤਾ ਰੋਕ ਲੈਂਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕੌਮ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਤਲੀ ਸਤ੍ਹਾ ਤੇ ਕੋਹਰਾਮ ਮਚ ਜਾਏਗਾ, ਮਗਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਨਰਗਸ ਨੇ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਰੀ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਚੌਧਰੀ ਅਸ਼ਮਤ ਦੀ ਧੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜ਼ਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਨਾਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੈਮਨਾ ਫਿਲਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸਵੇ ਮਾਮੂਲ ਕੋ ਖਾਸ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹ ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਈ ਦੇ ਮੰਗੇਤਰ ਹੋਣੀ ਔਰ ਉਸਦੀ ਮਾਮੇ ਦੀ ਧੀ ਆਉਂਦੀ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗਣੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, 2-4 ਗਾਣੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਆਖਰਕਾਰ ਹੈਦਰ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਦਿਨ ਮੁਕਰਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਐਨ ਸ਼ਾਦੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ
उस तो एक दो दिन पहले जिहड़ी नगमा है उन्हूं जेके ते चौधरी अशमत मिल के कतल करा देंदे। हैदर की माँ कतल हो जाती है तो वह नौकरी तो अस्तीफा दे देंदा, क्योंकि उन्हें पता लगता है कि यह कतल जिहड़ा है वह जेके और चौधरी अशमत ने मिल के किया है। और कई दफा जिहड़ा चौधरी अशमत है वह पैसे और रिश्वत के जरिए अपने आप में छुड़वा लेंदे, अपने बंदियां नूं छुड़वा लेंदा है, क्योंकि अदर तो जहन चाहता है कि अगर वह इंतकाम लैने की रस्ते से जाएगा तो जी वर्दी है वो रस्ते की दीवार बनेगी। और जो वर्दी उतारता है और अस्तीफा एस पी नूं पेश करता है तो एस पी उन्हूं चौधरी अशमत के उत्ते हमला करने के जुर्म में गिरफ्तार कराना चाहता है, लेकिन वह उन्हूं यरमाल बना के उतों निकल जाता है और चौधरी अशमत के बंदियां नूं मारना शुरू कर देता है। इधर जिहड़ा नासर होंदा है, नासर भी जेके के खिलाफ बहुत सबूत इकट्ठे कर लैंदा है, जेके उहदे कोलों सबूत मंगदा है, लेकिन नासर इनकार कर देंदा है। जेके उहदी माँ और भैन नूं आके कतल कर देंदा है, उहदी माँ और भैन जिहड़ी दोनों नवीआं दा कार सन, इहो जे बदमाशां दा मत्था लाणा छड्ड दे। उहनां जदों कतल करदा है ते नासर उहदा दुश्मन बन जांदा है और इस तरह मिलके दोनों मिलके जिहड़ा ना उह जेके और अशमत का सफाया कर देंदे। जदों अपनी गिरफ्तारी देना चाहता है पुलिस नूं ते पुलिस अफसर उसनूं कहिंदा है कि तेरा इस्तीफा मैं मंजूर नहीं कीता है, क्योंकि तू काबल और ईमानदार पुलिस अफिसर है, लिहाजा अज तो बाद तू नौकरी ते बाहर ले। यह कोई खास फिल्म नहीं है, कोई इतनी अच्छी फिल्म नहीं है कि जिन्हों तुसी कह सको कि सुपर दुपर हिट फिल्म है। यह आम रूटीन की फिल्म सी, इस तरह कई कहानियां तुसी वेखियां होनी। सहमा का भी कोई खास काम नहीं है, नरगस का भी दो चार गाने और खास काम नहीं है, रैंबो का भी कोई खास काम नहीं है और यह फिल्म यूट्यूब पर मौजूद भी नहीं है। अगर तुम मेरी मालूमात अच्छी लगी हो मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, तो शेयर करो, तो नैक्सट वीडियो तक रब राखा।